आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज हम सूखे मसाला आलू बनाने जा रहे हैं। आइए इनमें क्या क्या सामान यूज होता है वो मैं आपको बताती हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन करना और बेल बटन दबाना। मसाला सूखे आलू बनाने के लिए हमने 6 उबले हुए आलू लिए हैं और इनको छील लिया है। 4 हरी मिर्चें, 2 लाल मिर्चें, थोड़ा सा धनिया और 2 बड़े चम्मच ऑयल, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच लाल कुटी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच सरसों, 1/2 चम्मच जीरा और 1 चम्मच धनिया पाउडर। सबसे पहले हम आलूओं को और हरी मिर्चों को काट लेते हैं। हमने आलू और हरी मिर्चों को काट लिया है। आलू मैंने इस शेप में काटे हैं, आप चाहे जिस शेप में काट लेना। और 2 हरी मिर्चें मैंने लंबी शेप में काटी हैं, 2 हरी मिर्चें बारीक काटी हैं। मीडियम गैस पे पैन रख दिया है और इसके अंदर मैं ऑयल डालती हूँ। करीबन 2 मिनट हो गए हैं, मेरा तेल गर्म हो गया है। अब गैस धीमी कर देती हूँ और मैं इसके अंदर जीरा डाल रही हूँ। अब हम सरसों डाल रहे हैं, धनिया भी डाल रहे हैं, हल्दी, मिर्च, इन सभी को अच्छी तरह से भून लेते हैं। हमारे मसाले भून चुके हैं, अब इसके अंदर आलू डाल रहे हैं। अब इसके अंदर हम लंबी कटी हुई हरी मिर्चें, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और नमक, अमचूर पाउडर, गरम मसाला, इन सभी को हम अच्छी तरह से मिला देते हैं। हमने सारे मसाले और आलू को अच्छी तरह से मिला लिया है और अब इसके अंदर हम हरा धनिया डालकर मिला लेते हैं। इनको भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये बनाने बिल्कुल ही आसान है, आप इन्हें सफ़र में भी ले जा सकते हैं और कभी कुछ खाने का मन ना हो तो इन्हें बना के भी खा सकते हैं। हमारे मसाला आलू बिल्कुल तैयार हैं, अब इनको हम बाउल में पलट लेते हैं। मसाला आलू खाने के लिए तैयार हैं, खाना भी, खिलाना भी, मुझे कमेंट में बताना भी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ। धन्यवाद।